जो है वो कहते हैं कि जी वो लाइटें बंद हो गई और जो है वो साउंड सिस्टम बंद हो गया। देखिए साउंड सिस्टम वाला जो है उसको कानून की समझ आ गई थी, उसको पता था कि आप खुद अपने हाथ से इंतजामिया के साथ वादा करके आए हैं कि 3 से 6 बजे तक जलसा होगा। अब जलसा आपको 6 बजे ख़त्म करना था, इंतजामिया ने जाके बताया कि जी 6 बजे जलसा ख़त्म करें, अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगा के सारे उतरे और उतर के खामोशी के साथ अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के घर चले गए। मुझे तो अफसोस उन बेचारों पर, उनको जो 2500-3000 बंदा आया हुआ था उन गरीबों का क्या कसूर है। वो कश्तियाँ जला के आए हुए थे आपको पता है, और जब सारी कश्तियाँ जल गई तो उनका वापस जाने का भी शायद कोई रास्ता नहीं था। तो ये जो लाइन लगा के अच्छे बच्चों की तरह निकल के बाहर गए ना, एक्चुअली इन्होंने पंजाब हुकूमत की रिट को एक्सेप्ट किया और मान लिया कि पंजाब के अंदर ना बदमाशी चलेगी, ना किसी बदमाश को बदमाशी करने देंगे। इस मुल्क, इस सूबे के अंदर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कानून पर अमल दरामद कराना आता है, और जो बाहर बैठ के ऐवी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे, बातें कर रहे थे, उनको फिर जो है वो भागने पे मजबूर ऐसे करते हैं। इसे कहते हैं सियासत, कि आपने अपने सियासी मुखालफीन को, मैं आज ये भी क्रेडिट देना चाहती हूँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, वो जैसे एक प्रिंसिपल होती है ना स्कूल के अंदर, जो नलायक बच्चे होते हैं ना, शरारती बच्चे, उनको लाइन में लगा के सीधा करती हैं। कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लाइन में लगा के पीटीआई के बदमाशों को जो है वो सीधी तरह जो है वो अपने घर जाने मजबूर किया, अपने तंबू के नाते लपेटे और टाइम के ऊपर जो है वो फारिग हो गए।